Okay, so we'll start today's session with a very simple law, actually laws. So we have something called as De Morgan's laws. बहुत सिंपल सा लॉ है. देयर आर टू. एक आपको बताता है ए बार डॉट ए डॉट बी बार. व्हाट इज ए डॉट बी बार? आपको याद होगा जब आप लॉजिक गेट्स में प्रोडक्ट लेते हो तो उसको आप बोलते हो एंड गेट. तो ए और बी इनपुट्स हैं. दीज टू आर इनपुट्स ऑफ लॉजिक गेट. दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. ओके, मैं बार इंटेंशनली बोल रहा हूं. आई नो हियर यू डोंट कॉल इट एज निगेशन. तो कैसे बोल सकते हो? Negation of AND, negation of AND is equal to sum of negations. Negation of product is equal to sum of negation. या फिर negation of AND is equal to OR of negations. Easy है? Okay. So other way around is also true. A plus B का negation equal to A negation into B negation. So these are two laws of De Morgan. Simple है बहुत. Extremely extremely simple. मैं वापस बता रहा हूँ. Negation of product is equal to sum of negation. Negation of sum equal to product of negations. So that was the only thing theory remaining in the last session. So now we are all good to start with questions. And you will see questions here are very simple, very, very simple. Now, the intrinsic semiconductor becomes an insulator at 0 degrees Celsius. क्यों? क्योंकि 0 degrees Celsius पे conduction band of intrinsic semiconductor is completely empty and valence band of intrinsic semiconductor is completely filled. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा. होल्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड विल बी प्रमोटेड, सॉरी वैलेंस बैंड विल बी प्रमोटेड टू कंडक्शन बैंड. ओके, सो इन जनरल 0 degree पे, and that is why we can use this as semiconductors. So ideally semiconductor बना ही क्यों इसके लिए? Because you can alter the properties and change it to conductor or make it insulator. So 0 degree पे conduction band of intrinsic pure semiconductor is empty and valence band is completely filled. There are no free electrons available for conduction and hence at 0 degree it becomes an insulator. Next question. Which gate is represented by the following truth table? अब जो हमने 6 gates देखे थे, not, or, and, nor, NAND, exclusive or, उसमें से एक गेट है ये. डेफिनेटली आपको सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन याद है. लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब अगर मेरे पास x इनपुट है और x का उल्टा आउटपुट पे आ रहा है तो ये है नॉट गेट. इनपुट पे 1, 1 का उल्टा 0, आउटपुट पे 0, राइट. और इसका ट्रुथ टेबल भी आपने लिखा था अगर याद होगा तो. x 0 तो y 1, x 1 तो y 0. This was not gate. फिर अगर आपके पास इनपुट ए और बी है, आउटपुट वाई है, 0 0 0 1 1 0 1 1, जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 1, इसको बोलते हो आप और गेट. ओके, सो दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर और गेट. तो ऐसा भी नहीं है, है क्या ऐसा? नहीं है, नहीं है. मतलब ये और गेट भी नहीं है. ओके, सो ऑफ कोर्स दिस वाज जस्ट अ रिवीजन फॉर नॉट
नाउ अगर आपको याद है एंड गेट, एंड गेट में जीरो जीरो तो जीरो, जीरो वन तो भी जीरो, वन जीरो फिर भी जीरो, वन वन तो आउटपुट वन। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ए इंटू बी होता है एंड गेट। इफ यू नोटिस एंड गेट में दोनों इनपुट्स लो मतलब जीरो तो आउटपुट लो, यहां पे क्या है दोनों इनपुट्स लो तो आउटपुट हाई। जीरो वन एंड के लिए आउटपुट इज जीरो, यहां पे क्या है वन, इसके लिए वन जीरो के लिए आउटपुट फॉर एंड इज जीरो, यहां पे क्या है वन। यहां पे दोनों इनपुट्स हाई के लिए, वन वन के लिए आउटपुट क्या है हाई वन, इसका यहां पे उल्टा, मतलब ये जो ट्रुथ टेबल है ये एंड गेट का निगेशन है, मतलब एंड गेट के बाद एक नॉट गेट लगाया है तो आउटपुट को इन्वर्ट किया है, किसके आउटपुट को एंड के, तो ये आएगा नैंड ऑप्शन नंबर सी। वैसे लास्ट थ्री क्लासेस में हमारा हुआ ही है, सो यू इवन जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ट्रुथ टेबल यू शुड नो, सिर्फ देख के दोनों इनपुट जीरो फिर भी आउटपुट हाई, ये सिर्फ नैंड में होता है और किसी गेट में देखा नहीं आपने, और में देखा था क्या, देखा था दोनों आउटपुट इनपुट जीरो फिर भी आउटपुट हाई, नहीं देख ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। वो एक्सओआर में था, एक्सओआर एक्सक्लूसिव और में नहीं, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है जब दोनों इनपुट सेम टाइप के होते हैं तो आउटपुट जीरो होता है, तो सिर्फ नैंड और नॉर में दिखता है ऐसा, जीरो जीरो आउटपुट पे वन, सिर्फ नैंड एंड नॉर में दिखता है, राइट गुड। तो भी नॉर भी आगे डिस्कस कर लेंगे वापस एक बार, राइट, बट फिर आई मीन फॉर द केस ऑफ नॉर गेट ये सारे वैल्यू सेम नहीं होते ना, तो विल चेक दैट लेटर। तो दिस इज नैंड गेट, बाय द वे ये नैंड गेट है, ओके ये मेथड नंबर वन था टेबल। देयर एग्जिस्ट मेथड नंबर टू ऑल्सो, लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए इंटू बी का निगेशन, राइट, सिंपल स्टेप, कहां से स्टार्ट करना, वॉट इज ऑड वन आउट हियर, जीरो वन वन के लिए है ना, तो पुट वन इंटू वन, वन उसका निगेशन जीरो, राइट, आ गया नैंड गेट। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो आप, अगर आपको और वेरीफाई करना है तो पुट जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो उसका निगेशन वन, वन इंटू जीरो जीरो उसका निगेशन वन, जीरो इंटू वन जीरो उसका निगेशन वन, तो डायरेक्टली आप लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला है एक सर्किट दिया है, करंट इन द सर्किट विल बी, तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले तो आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ डायोड्स, फिर आइडेंटिफाई करो रेजिस्टेंसेस, फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा फॉरवर्ड बायस है कौन सा रिवर्स बायस है, उसके बाद सॉल्व करना। तो कितने डायोड्स है, दो, ओके इसको मैं बोल देता हूं डायोड डी वन, इसको बोल देता हूं डायोड डी टू। फिर कनेक्शंस, आपको पता है ये जो ट्रायंगल शेप है ये पी होता है, दिस इज पी दिस इज एन, दिस इज पी दिस इज एन, करेक्ट। डायोड डी वन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है पी टाइप, और बैटरी के पॉजिटिव कनेक्टेड है एन टाइप, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस डज नॉट कंडक्ट, मतलब इट इज एज गुड एज कि ये सर्किट में है ही नहीं। नीचे का पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस, तो डायोड डी वन इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो करंट सिर्फ इसी नीचे के लूप में ही आने वाला है। आपको क्या फाइंड करना है, करंट, करंट कैसे फाइंड करते हो, V equal to IR, I equal to V by R. What is V? 5 volt.
वॉट इज आर इज 20 + 30, क्योंकि ये हो गया सीरीज कनेक्शन, अब इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये 20 और ये 30 सीरीज है। कैसे सीरीज है, कहीं भी सर्किट को ब्रेक करो और ओपन करो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, सो सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 20 + 30, मतलब 5/50, मतलब 1/10 ऑफ 5/50 दिया है, यहाँ पे दिया ही है 5/50, 1/10 नहीं दिया है, 5/50 बोला है, ऑप्शन नंबर बी। तो इन सच एग्जांपल्स क्या करना होगा, आपको पहले ये देखना है कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, पहले उसको सर्किट से बाहर हटाओ। जो फॉरवर्ड बायस है वही करंट कंडक्ट करता है, तो करंट ओनली नीचे के लूप में आएगा, ऊपर के लूप में कोई करंट नहीं है, बिकॉज डायोड D1 वॉज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर IC/IE इज 0.96, देन द मैक्सिमम करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, क्या दिया है आपको, IC/IE। डू यू रिमेम्बर, हमने IC/IE को अल्फा डिनोट किया था और मैंने बताया भी था इसकी वैल्यू 0.96 से 0.98 के बीच में आती है, लेस देन 1 आती है, दिस इज 0.96। देन मैक्सिमम करंट गेन हम किसको बोलते हैं, बीटा को। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा 0.96 है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा कितना होगा, करंट गेन मतलब दे आर आस्किंग यू बीटा, तो बीटा कितना होगा। और बाय डेफिनेशन आपको पता है डेफिनेशन, बीटा इज IC/IB। ओके, बट एनीवेज वी डोंट नीड दैट डेफिनेशन, क्योंकि हमको पता क्या होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, मैंने डिराइव करके दिया था, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ये हमने डिराइव किया डायरेक्टली। तो यह आएगा आपका 0.96, 1 - 0.96, मतलब आपको मिल जाएगा ये 0.96 by 0.04, तो ये आपको मिल जाएगा 96 by 4। What is 96 by 4? 24, 4 is 96. So 24. So option number B. तो देखो, आई टोल्ड यू बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम आती है। नॉर्मली बीटा की वैल्यू 500 से 900 के बीच में होता है, बट इट डजंट मीन कि ऑलवेज इट विल बी बिलो और बिटवीन 500 to 900, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, दैट्स इट, एक से बड़ा होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस हियर आर वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइस, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2014 नीट। तो बाय द वे, ये सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस मैंने नीट पिछली बार के नीट से लिए है, तो बोल सकते हो सारे ही लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू हैव अ सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ सोलर सेल वेयर A रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज, मैंने बताया था वोल्टेज एक्सिस पे करंट 0 होता है क्योंकि मैंने सर्किट को ओपन किया, ओपन किया का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। एक सर्किट था, मान लो एक सर्किट था, ये सर्किट है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे, आई डोंट केयर व्हाट कंपोनेंट्स, सर्किट है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इंफिनिटी। रेजिस्टेंस इंफिनिटी मतलब करंट 0, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज विल अपीयर,
है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर यूज क्या हुआ, कुछ नहीं यूज हुआ, राइट। तो इन दिस केस दिस इज अ पॉइंट फॉर विच वोल्टेज इज मैक्सिमम, करंट इज जीरो ऑन वोल्टेज एक्सिस, ओके। वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज ट्रू एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब आप दोनों वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो विदाउट रेजिस्टेंस, तो आपको वही बताना चाहिए V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। एक बार R मैक्सिमम होगा, एक बार R मिनिमम होगा। R मिनिमम मतलब R जीरो, रफली जीरो, तो I मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट जीरो वोल्टेज B पॉइंट। तो ये इन रियलिटी दिस इज सोलर सेल, सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ये, दिस इज नथिंग बट सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बाय द वे, प्रॉब्लम ये है दैट व्हाट यू हैव लर्नड इज द सेम ग्राफ। आपको जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था वो ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही है, सिर्फ वहां पे हमने जो ग्राफ था उस ग्राफ को we have shown that graph in the first quadrant, okay, हमने दिखाते टाइम वो ग्राफ ऐसा दिखाया था, something like this, फिर मैंने बोला था ये यहाँ पे this is short circuit current ISC, ये open circuit voltage, यहाँ पे current maximum voltage zero, मतलब पावर जीरो, क्योंकि पावर V इंटू आई होता है। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, मतलब पावर वापस से जीरो। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है फॉर विच यू हैव मैक्सिमम पावर, ओके। फिर मैंने बोला था तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसे मिलने चाहिए स्क्वायर, ओके। देन इन रियलिटी प्रॉब्लम ये है That, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा आता है, हम सिर्फ करंट नेगेटिव की जगह पे हम लोग मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, ओके, मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, इसलिए हमने पहले पहले क्वाड्रेंट में बताया, बट इन रियलिटी इट इज हियर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, ये दोनों ग्राफ दे आर सेम ग्राफ्स। तो ये जो ग्राफ दिया है दिस इज फॉर सोलर सेल, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ओके। और वैसे भी आगे के ऑप्शंस पढ़ोगे, इट इज फॉर अ सोलर सेल एंड पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट, दिस नो मीनिंग ऑफ ओपन सर्किट करंट, सर्किट ओपन है तो करंट कहां से आया उसमें नहीं आ सकता। सी इट इज फॉर अ फोटो डायोड, फॉरगेट अबाउट इट, it's not about photodiode. D, it is for an LED, forget about it. LED is forward bias PN junction diode. तो अगर LED होता तो उसमें आपको ऐसा मिलता, क्योंकि LED आपको पता है LED आप forward bias में use करते हो, okay? So forward bias में use करते हो, solar cell में biasing नहीं करते हम लोग। Good. Next question. Next question, again very interesting, 2015 में आया था ये question, which logic gate is represented by the following combination of logic gates? तो हमारे पास combination of logic gates है, उसमें से कौन सा है ये? Again two method, एक truth table, दूसरा oral. मैं पहले आपको truth table से बताता हूँ, फिर हम orally करेंगे, okay? तो A, B, Y1, Y2 और आखिरी में Y, इसके चार कॉम्बिनेशन होंगे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y1 आपने कैसे ऑब्टेन किया? A को इन्वर्ट करके, A का निगेशन, मतलब 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0. Y2 आपने कैसे ऑप्टेन किया? B को निगेट करके, B को इन्वर्ट करके,
तो 1010 बी 0 था तो y2 1 होगा, b 1 है तो y2 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे ये इन्वर्टर लगा के रखे हुए हैं, ये और ये दोनों इन्वर्टर होते हैं जो बेसिकली सिग्नल को इन्वर्ट करते हैं, हाई सिग्नल को लो और लो को हाई, राइट। तो अगर a 0 है तो y1 इज a का इन्वर्जन, तो y1 इज 1, b 0 है तो y2 इज 1, b 1 है तो y2 इज 0, तो इन्वर्ट किया है। अब ये जो गेट है, दिस इज नॉर गेट, ये नॉर गेट है, नॉर गेट, दिस इज नॉर, क्यों? क्योंकि ये और के आगे एक सर्कल है। यू डोंट रिमेम्बर बेसिक सिंबल्स, ये ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू नो सिंबल्स ऑफ लॉजिक गेट। मैं इसके बता देता हूं वापस से, बट यू शुड नो। सो दिस इज टेकिंग, कौन सा? दिस नॉर गेट इज टेकिंग इनपुट y1 एंड y2, तो वो क्या करेगा, नॉर गेट क्या करता है, y1 और y2 को एड करके इन्वर्ट करता है। नॉर गेट क्या करता है, दो इनपुट्स को पहले एड करता है और बाद में उसको इन्वर्ट करता है, ओके? तो y क्या, y आउटपुट क्या आएगा, y1 प्लस y2, क्योंकि ये y1 यहां पे आया और ये y2 यहां पे आया, तो बेसिकली आपको मिलेगा y1 प्लस y2 का इन्वर्जन। तो पहले ऐसा करते हैं हम लोग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम पहले y1 प्लस y2 लिख लेते हैं, फिर उसको इन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे यू विल हैव y1 प्लस y2, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 इज 1, 1 एंड 0, ओके, गुड। नाउ इसको इन्वर्ट करना है, इसको इन्वर्ट करना है मतलब y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 का इन्वर्जन, नेगेशन। 1 को 0 करो, 1 को 0, 0 एंड 1, राइट। कौन से इनपुट्स के लिए मिला ये, a 0, b 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, कुछ नहीं, मैंने ये दो कॉलम उठा के यहां पे वापस देखे, दैट्स इट, ओके। तो नाउ यू सी, जब 0, 0 दोनों इनपुट्स 0 लो, आउटपुट लो, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, किसका ट्रुथ टेबल का, एंड गेट का। तो एंड गेट है क्या यहां पे, है? तो मैं मेथड वापस रिपीट कर रहा हूं और आई विल जस्ट डू इट बाय रीड्रॉइंग ऑल एवरीथिंग अगेन। ए इनपुट तो सबसे पहले ये सिंबल होता है इन्वर्टर का, इन्वर्टर मतलब नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है, वो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1। फिर यहां पे आपके पास एक बी इनपुट था और उसके आगे वापस से एक नॉर गेट था, तो y1 जो है वो a बार है, y2 जो है वो है b बार। तो सबसे पहला सिंबल आपको नॉर गेट का पता होना चाहिए, दिस इज सिंबल ऑफ नॉर गेट, ट्राइंगल के आगे एक सर्कल। देन ये दोनों इनपुट्स मतलब नॉर गेट के आउटपुट्स, ये जाएंगे एज इनपुट टू नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज ऑर गेट, ऑर गेट के आगे एक सर्कल, नॉर गेट, फाइनल आउटपुट y। तो ये y1 और y2 को पहले ऐड करेगा और बाद में उसको निगेट करेगा, ओके? अगर ये सर्कल नहीं होता, अगर ये सर्कल यहां पे नहीं होता तो ये बार भी यहां पे नहीं आएगा, ओके? इट इज दिस सर्कल
which is changing or negating or inverting the output. Is it clear? Good. So, method number one, मैं वापिस बता रहा हूं क्योंकि ये free marks है and I don't want you to lose this free marks. A, B, Y1, Y2, Y1 plus Y2, Y1 plus Y2 का बार 0, 0, ये 0 तो ये 1, ये 0 तो ये 1. 1, 0, 1, 0 आपके ऊपर है. ये कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो ऐसा लिख सकते हो, चलेगा, ऐसा भी चलेगा. चार कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यू वांट टू डू, दैट्स इट. तो अब यहां पे यू विल हैव 0, ए 0, तो y इज a का इनवर्स, इनवर्जन. तो 1, 0 एंड 0. ये 0, 0 क्यों आया, क्योंकि a 1 था, y1 इज a का बार, तो 0. ये आएगा 1, 0, 1, 0. By same logic, y1 plus y2, 1, 1, 1, 0. y plus y1 plus y2 को बार, 0, 0, 0, 1. Look here and look at these two. दोनों input 0 तो output 0. 0 और 1, output फिर भी 0. ये होता है AND gate में. तो ये overall क्या है? AND gate है. This is method number one. Second method कैसे solve करोगे? Simple, simple. Extremely simple, simple. Final output क्या है? Y1 plus Y2 का bar. Negation. But Y1 क्या है? A bar. Y1 is A bar. तो Y1 is A bar plus Y2 is और दोनों का bar. क्योंकि ये ऊपर का बार तो है ही ना. आज शुरुआत कहां से की हमने? डी मॉर्गन्स लॉस. क्या था अभी बताया था मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ सम, निगेशन ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ निगेशंस. ये निगेशन, ये आई हैव टू चेंज कलर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मैं इसको यहां से हटाता हूं, इसको यहां से हटाता हूं. I'll just use some different colors. Negation of sum, product of negations. So, product of negation. Product of negation. Kiska negation? A bar ka negation. A bar ka negation or B bar ka negation. मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है हमेशा. इट इज सिंपल. मुझे एक बात बताओ, इनपुट पे ए जीरो था, पहले नेगेशन ने क्या किया, उसको वन किया, दूसरे नेगेशन ने क्या किया, वापस जीरो कर दिया. मतलब डबल नेगेशन इज नथिंग बट द इनपुट इटसेल्फ. आ गया ए इनटू बी. व्हाट इज ए इनटू बी? एंड गेट. खत्म क्वेश्चन. ओके, तो This is how you can do it orally also. तो अभी यहीं पे करके बता देता हूं मैं आपको. You need to remember De Morgan's theorem. क्या था De Morgan's theorem? Sum of inputs का negation equal to product of negations. हमारे पास ये जो y है, ये जो y है, इसमें y1, y1 क्या है? a का निगेशन प्लस y2 क्या है? b का निगेशन और उसका निगेशन. तो y1, y2 का निगेशन है. तो y1, y2 का यहां पे निगेशन है. ओके, इज इट क्लियर? बाय दैट रूल जो आपने ऊपर लिखा है, निगेशन ऑफ सम, negation of sum is product of negations. यहां भी negation of sum है, yes.
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ निगेशन, किसका? ए निगेशन का निगेशन, ए का डबल निगेशन और बी का भी डबल निगेशन। लेकिन डबल निगेशन मतलब वही वैल्यू, अगर ए जीरो है उसका पहला निगेशन वन, दूसरा निगेशन वापस जीरो, मतलब ए निगेशन निगेशन इज नथिंग बट ए इनटू बी निगेशन निगेशन इज नथिंग बट ए इनटू बी। कौन सा गेट? एंड गेट। क्या जरूरत है ट्रुथ टेबल करने की? तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व सच क्वेश्चन, नहीं तो बहुत टाइम आएगा ट्रुथ टेबल में। तो मेथड नंबर टू, यू नीड टू प्रिफर बाय लॉजिकल एक्सप्रेशंस सॉल्विंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन, देन द आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर एल विल बी। तो ऐसा है, यहां पे आपके पास एक स्क्वायर वेव इनपुट है, दिस इज इनपुट हियर, ये स्क्वायर इनपुट है, स्क्वायर इनपुट सिग्नल, ओके, ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, माइनस 5 और प्लस 5 में डिफरेंस 10 का होता है, तो 10 वोल्ट का ये इनपुट है, ओके, कहां अप्लाई किया आपने इसको? यहां पे इनपुट होगा। तो आपको पूछा है आउटपुट अक्रॉस RL, तो यहां पे कितना आउटपुट आएगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज सिंपल D, but how D? That is right. Excellent. This is good. You know, PN junction diode works as rectifier. तो पहला और दूसरा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये look at the signal, input signal. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब ये इनपुट पास होगा डायोड से, तो ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल पे रिवर्स बायस मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। जब सिर्फ हाफ साइकिल पे कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट पे तो 10 वोल्ट आएगा नहीं, आउटपुट पे 5 ही वोल्ट आएगा। और 5 वोल्ट कब आएगा? जब फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब इट विल कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आउटपुट पे सिर्फ ऑप्शन डी प्लस 5 वोल्ट। जिसको नहीं समझा मैं वापस समझाता हूं, इजी है। ये आपका यहां से आप दे रहे हो इनपुट Vin, Vin क्या दे रहे हो आप? You are giving this square wave which is from minus 5 to plus 5 as input. Then you are placing a diode here. This is P, this is N. And then you have a load resistance here. So RL pe kitna output aayega? So jab input square wave jayega, to sirf positive ke time pe, मतलब प्लस 5 वोल्ट के लिए ये फॉरवर्ड बायस होगा, प्लस 5 के लिए। तो आउटपुट पे तो प्लस 5 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव 5 के लिए वो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो कंडक्ट ही नहीं करने वाला, तो आउटपुट पे क्यों कुछ आएगा? तो यू विल हैव आउटपुट एज प्लस 5 ओनली, नॉट माइनस 5, नॉट दिस वन एंड नॉट ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो सॉल्व करना कुछ है ही नहीं इसमें, इट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड ओके टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर विच इज 100 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5, the current in the circuit will be, okay, so you need to pay attention again. Positive is connected to
P type, negative is connected to N type. मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या चेक करना, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है. फॉरवर्ड बायस है, यस फॉरवर्ड बायस है. तो कंडीशन नंबर वन, डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड. नंबर टू, नॉर्मली हाउ डू यू मेजर करंट, I इक्वल टू V बाय R. वॉट इज V? 3.5. वॉट इज R? 100, है ना, राइट. तो अगर ऐसा करने गए तो आपको मिल जाएगा 35 मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर, विच इज नॉट करेक्ट. क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है इन केस ऑफ डायोड्स बैरियर पोटेंशियल बनता है, और आपको फॉरवर्ड बायस कंडीशन ग्राफ याद होगा, कैरेक्टरिस्टिक याद होगा, तो नी के बाद, नी मतलब जब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ, उसके बाद ही आपको यू गेट हाई करंट. तो इसका मतलब जब आप करंट मेजर करोगे तो उस केस में यू ऑलवेज हैव टू सब्ट्रैक्ट बैरियर पोटेंशियल V माइनस वी बी बाई आर, क्योंकि पहले तो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, बाद में करंट मिलने वाला है, राइट. अगर ये याद नहीं है तो वो बैंड डायग्राम याद रखो. कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप वॉज एट हायर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, और चार्जेस कहाँ थे, चार्जेस यहाँ थे, कैसे ऊपर जाएंगे, नहीं जा सकते हो, बैरियर पोटेंशियल था. या फिर डिप्लीशन रीजन के टर्म्स में याद करो, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये जंक्शन है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन एन से पी में आ गए थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बन गए थे, और क्योंकि पी ने एक्सेप्ट किए तो नेगेटिव आयन्स बन गए. अब जब बाकी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहते तो ये जो नेगेटिव आयन्स बन गए, ये बैरियर है, हर्डल है, हर्डल, तो ये आने नहीं दे रहे. तो जब आप इसको बैटरी कनेक्ट करोगे, मतलब आप इसको प्लस और इसको माइनस कनेक्ट करोगे, तो यू आर एक्चुअली पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यू आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द जंक्शन. कब तक क्रॉस नहीं होगा? जब तक ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, जब तक अनलेस एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड के लेवल में नहीं होता, तब तक करंट नहीं मिलेगा. तो विच मीन्स आपको करंट कब मिलेगा? जब आप बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करोगे, ओनली देन. तो सबसे पहले आपको बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए आप लिखते हो, यू हैव टू राइट डाउन V माइनस वी बी बाय आर. तो व्हाट इज V? व्हाट इज V? 3.5. व्हाट इज वी बी? 0.5 बाय आर इज 100. तो 3 बाय 100, मतलब 3 × 10⁻², मतलब 30 × 10⁻³, मतलब 30 mA का करंट आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी. तो बैरियर पोटेंशियल ये भूल के चलेगा नहीं. अगर आपने उसको, आप उसको भूल गए, तो यू विल गेट -1 इंस्टेड ऑफ +4, तो वो याद रखना, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the junction diode as ideal, the value of current flowing through AB is, AB, where is B? Let me just check. कुछ तो misprint है, but anyways मैं मान लेता हूँ B यहाँ पे होगा, मान लेते हैं. और तो कहीं ले नहीं सकते हो, यहाँ लिया तो फिर वो resistance कुछ काम का नहीं रहेगा, तो इसलिए वहां पे B ले लिया. anyways, तो करंट, पहले तो ये देखो, ये फॉरवर्ड बायस है क्या? यस. क्यों? क्योंकि पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप टू नेगेटिव. तो करंट इज
difference in potential between A, B upon resistance between A, B. What is difference in potential between A, B? V A minus V B upon resistance is 1 kilo ohm, that is 10 power 3 ohm. V A is 4 minus V B is minus 6 by 1000. ये ऊपर आ गया 4 minus or minus plus मतलब 10. 10 और 10 power 3 नीचे था तो 10 power minus 3 मतलब ये आपका आ जाएगा 10 milliamp. तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 मतलब 10 पावर माइनस 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी. सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहां पे. नेक्स्ट, अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन अ गिवन एम्पलीफायर. आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए नॉर्मली कॉमन एमिटर मोड में यूज होता है. उसमें भी अभी कॉमन एमिटर बोला है तो आपको याद होना चाहिए बेस एमिटर इज इनपुट, बेस करंट आई बी इज इनपुट करंट, आउटपुट इज वी सी ई, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट आई सी होता है, कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होता है, ये पता होना चाहिए. गुड, तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रखा है टू मेक इट एज एन एम्पलीफायर. हमको बाय डिफॉल्ट सीधे से पता था. अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट, क्योंकि आउटपुट कहां से लोगे, कलेक्टर इमिटर से, तो इसलिए कलेक्टर पे लगाया है. एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8. If the current amplification factor, current amplification, ये वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए, is 0.96, the input resistance of the circuit is 192, output कितना resistance? 800, input कितना है? 192. The voltage gain and the power gain of the amplifier will be respectively. तो सबसे पहले यू नीड टू नो ये जो वर्ड है ना, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब अल्फा दिया है आपको, ओके, दैट इज 0.96. ओके, आपको क्या पूछा है, वोल्टेज गेन, व्हाट इज बाय ओहम्स लॉ वोल्टेज आई एन टू आर. तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ये आएगा बिकॉज वोल्टेज इज आई आर, तो फिर वोल्टेज गेन इज करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ऐसा ही आएगा. ओके, हमको क्या क्या फाइंड करना है, वोल्टेज गेन और पावर गेन. पहले वोल्टेज का देख लेते हैं क्योंकि फिर पावर, व्हाट इज पावर, वी इनटू आई, वी इनटू आई है ना, तो पावर गेन क्या होगा, गेन इनटू करंट गेन. ओके, तो पहले तो वोल्टेज गेन एवी निकाल लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे करंट गेन. अब एक प्रॉब्लम यहां पे होता है, आपने वो जो बीटा डीसी डिफाइन किया था आपने, जिसको आपने करंट गेन बोला था, तो यू शुड नो कि वो बीटा डीसी करंट गेन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होता है, वो कॉमन बेस में होता है, और कॉमन इमिटर में आप अल्फा को बोलते हो करंट गेन. तो ये जो करंट गेन है अल्फा, दैट इज एक्चुअली करंट गेन बेसिकली, तो ये पता होना चाहिए. डिपेंड्स ऑन मोड, कौन से मोड में, उसे पता होना चाहिए. एंड हाउ डू यू फाइंड रेजिस्टेंस गेन, मैंने आपको बताया था एक चीज, एफिशिएंसी और गेन, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट, आउटपुट कहां पे ले रहे हो, लोड पे, लोड तो आर एल अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, 0.96 इंटू 800 अपॉन 192,
What is 96 2s are? 192. Very good. What is 0.96 into 8 into 100? मतलब ये जो दो जीरो है 800 के, ये 800 के दो जीरो मैं चुरा लूंगा. I will steal it from 800 और I'll multiply with 0.96. मतलब इन शॉर्ट दिस इज 96 इंटू 8 अपॉन 192. 1, 2, 1, 4. 4 शुड बी वोल्टेज गेन. ऑप्शन नंबर बी गया, वोल्टेज गेन मिल गया. और क्या चाहिए? पावर गेन. व्हाट इज पावर? वी इंटू आई. तो पावर इज V into I, मतलब पावर गेन इज वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन. व्हाट इज वोल्टेज गेन? 4. व्हाट इज करंट गेन? 0.96. 96 4 का मतलब लिटिल लेस देन 4. लिटिल लेस देन 4, दैट्स इट. लिटिल लेस देन 4. देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हो. 4 into 0.96. If you are smart enough, आपको ये तो पता ही है कि ये 4 से छोटा है, मतलब ये तो होगा नहीं. फिर आपको ये पता है कि 4 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी नंबर 4 आना चाहिए. आखिरी नंबर डिजिट 4, कहां पे आखिरी डिजिट 4? खत्म. तो विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन यू कैन जस्ट सॉल्व दिस. तो ऐसा करते हैं उसको, राइट? सो कॉमन इमीटर मोड में, कॉमन इमीटर मोड में व्हाट इज करंट गेन? अल्फा. एंड इन कॉमन बेस बीटा. ये दो चीजें याद रखो. तो वो इंटेंशनली थ्योरी के टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग तीनों मोड्स का पूरा थ्योरी कर नहीं सकते. इट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग थ्योरी क्लासेस टू टेक कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर मोड. तो सम फ्यू थिंग्स विल बी कवर्ड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स. Next question, again digital electronics. To get output 1 for the following circuit, the correct choice for the input is. Orally bataunga main ye. We will not go into making truth table and everything. Ye kaun sa gate hai? OR. OR kya karega? A plus B karega. Correct? Ye C direct ja raha hai kisko? AND ko. So this gate is AND gate. का आउटपुट क्या होता है? इनटू दोनों इनपुट्स का इनटू. दो इनपुट कौन से थे? एक तो A प्लस B था इनटू C. ओके, Y की वैल्यू 1 होने के लिए, आउटपुट पे 1 होने के लिए A प्लस B या C दोनों में से एक भी 0 नहीं हो सकता. A प्लस B जीरो नहीं हो सकता. A प्लस B जीरो नहीं हो सकता. मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना? 1-1 चलेगा, 1-0 चलेगा, 0-1 चलेगा. मतलब A की वैल्यू 1 चलेगी, B की वैल्यू 0. ओके, A 0 तो B 1, ये दोनों 1-1. लेकिन A और B दोनों 0-0 नहीं हो सकते, है क्या? वेट, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें A और B दोनों 0-0 हो. मतलब अब सिर्फ एक चेक है सी पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है. तो सी जीरो नहीं होना चाहिए, तो सी जीरो नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए खत्म. द ट्रुथ टेबल, नथिंग. यू डोंट नीड एनीथिंग. ओनली थिंग इज ये समझाना, मल्टीप्लीकेशन सी शुड नॉट बी जीरो. एक ही ऑप्शन है, सी जीरो नहीं है. ऑप्शन नंबर ए. ओके, अगर और किसी ऑप्शन में ऐसा होता, सी इक्वल टू 1 ऐसा होता, फिर ए और बी चेक करो. फिर ए और बी दोनों जीरो है लेकिन सी वन है तो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि ए प्लस बी अल्टीमेटली वापस जीरो मिल जाएगा. तो दैट इज हाउ यू चेक. इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस. कलेक्टर रेजिस्टेंस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, बिकॉज कॉमन इमिटर में यू टेक आउटपुट फ्रॉम कलेक्टर. ओके, तो वो लोड रेजिस्टेंस है बेसिकली. ओके, तो ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर,
कलेक्टर से आउटपुट निकालते हो तो ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज VCE, RL और VCE दिया है। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 100, ओके, एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 1 kilo ohm, बेस इज इनपुट रेजिस्टेंस, देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज। नाउ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक प्रॉब्लम यहां पे हमेशा रहता है, कंफ्यूजन। जब आप कॉमन बेस मोड पढ़ते हो तो मैंने बताया था अल्फा की वैल्यू 0.96-0.98 होती है, बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, वहां पे बीटा था करंट गेन, यहां पे अल्फा है करंट गेन, ओके। सो वेरी गुड, वेरी गुड। सो ओके, आई नीड टू टेक अ पॉज फॉर अ मिनट। ओके, तो यहां पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपको 100 बोला है, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि अल्फा की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं होती। आप चाहो तो इस केस में अल्फा को बीटा से डिनोट करो। अल्टीमेटली करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब करंट गेन, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन नोटेशन आई वुड प्रिफर दैट यू ऑलवेज राइट, क्या लिखोगे, व्हाट इज वी आई आर, तो सीधा लिखो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ऐसा लिख के करोगे तो भी चलेगा, दैट इज फाइन, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज वोल्टेज गेन, वी आउट अपॉन वी इन, आउटपुट बाय इनपुट, दिस इज 100। व्हाट इज रेजिस्टेंस गेन, आर आउट बाय आर इन, ओके गुड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको वी आई फाइंड करना है। बाय द वे आउटपुट वोल्टेज कितना, 4 अपॉन, ये तो फाइंड करना है, ये तो 100 ही है। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना, 2 kilo ohm, और इनपुट कितना, इनपुट रेजिस्टेंस 1 kilo ohm। अरे ये जो है आर ओ बाय आर आई, आउटपुट बाय इनपुट, कौन सा मोड है ये, कॉमन एमिटर मोड। कॉमन एमिटर मोड में इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, इनपुट करंट कौन सा होता है, बेस करंट, तो इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, बेस रेजिस्टेंस। हाँ तो बेस रेजिस्टेंस बोला है ना, हाँ तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना, 1 kilo ohm है, तो ओके 1 and 2, तो वी आई इज 50 है, 50 50। वेट अ मिनट, आई नो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नो इनपुट वोल्टेज 50 नहीं है, तो अब आपको चेक करना है वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कहां गलती हुई, ये आपको देखना है अब। सो व्हाट वी आई, व्हाट क्या पूछा है, इनपुट वोल्टेज, वन बाय फिफ्टी आएगा, दैट इज वेयर, व्हाट इज 1/50 बाय द वे, खत्म। तो वी आई इज 1/50, 1/50 में 1/5, और यहां पे 10^-1 लिखूंगा, 1/5 इज 0.2 इंटू 10^-1, है ना, 10^-1 मतलब 2 × 10^-2 मतलब 20 × 10^-3, 20 × 10^-3 मतलब कितना, 20 mV। अभी तो ये होगा ही होगा, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलेंट। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी। तो डू नॉट गेट लॉस्ट इन बिटवीन नोटेशंस, फॉरगेट अबाउट नोटेशन। ओम्स लॉ हमको बताता है V इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, गेन और एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट बाय इनपुट। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में हो, कार्नोट इंजन पढ़ रहे हो, हीट इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जो भी इंजन, दैट इज आउटपुट वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट हीट इनपुट,
गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल, पेट्रोल का क्या होता है? बर्निंग, बर्निंग मतलब वो जो बर्न होता है पेट्रोल, वो क्या जाता है? इनपुट जाता है किसको? इंजन को। उससे क्या निकालते हो? पिस्टन घूमता है ना, मतलब उससे क्या निकालते हो आप? वर्क निकालते हो। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, दैट वॉज थर्मोडाइनमिक्स में इफिशियंसी। यहाँ पे गेन, गेन इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। वोल्टेज गेन तो वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, करंट गेन तो करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट, रेजिस्टेंस गेन रेजिस्टेंस आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस इनपुट। इन दिस स्पेसिफिक केस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड, मैंने इसलिए थ्योरी में बार बार बोला था, वो टेबल बना के दिया है आपको मैंने। कॉमन इमिटर तो इनपुट वीबीई वोल्टेज, करंट बेस करंट, जब बेस करंट इनपुट है तो रेजिस्टेंस भी तो बेस रेजिस्टेंस इनपुट होगा ना, राइट? तो इसलिए मैंने इनपुट में आर आई मतलब आर बी, इनपुट रेजिस्टेंस इज बेस रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज इज वी सी ई, ओके, आउटपुट करंट इज आई सी, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस थ्रू कलेक्टर, और थ्रू कलेक्टर कितना लगाया है? 2 किलो ओम। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जगह पे मैंने क्या लिखा? 2 किलो ओम, ओके। तो वो जो टेबल था उसमें आगे ऐड कर लेना रेजिस्टेंस और इसके बारे में, सो यू नीड टू नो दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। The current flowing through the resistance R1 will be, so again, step number one, you have to check what you have to check, कौन सा forward bias, कौन सा reverse bias, P type connected to positive terminal forward bias, N type negative terminal forward bias। यहाँ पे N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस मतलब ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या बचा फिर आपके पास? रेजिस्टेंस R1, देन डायोड D2, देन यू हैव सम रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम, तो ये 2 ओहम, ये 2 ओहम, और आपके पास यहाँ पे है 10 वोल्ट का बैटरी, सो यू हैव अ 10 वोल्ट ओवर हियर एंड देन इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, ओके, सो यू हैव 10 वोल्ट ओवर हियर, या सो 10 वोल्ट, 2 ओहम 2 ओहम एंड डायोड D2 फॉरवर्ड बायस। हाउ डू यू फाइंड आउट करंट? करंट ही फाइंड करना है ना आपको, तो करंट कैसे फाइंड करते हो? ओहम्स लॉ अगेन। तो सिर्फ यहां पे वापस 2 और 2, 2 और 2 सीरीज, दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस, और सीरीज में करंट तो सेम ही जाता है, तो 2 से जितना जाएगा उतना ही इस 2 से जाएगा। तो यू विल डू अ सिंपल थिंग, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, एंड वी फॉर यू इज 10, आर इज 4, दैट इज 2.5, और 2.5 दोनों से जाएगा बिकॉज दिस 2 आर इन सीरीज, दैट्स इट। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड टुमारो आई एम गोइंग टू एंड, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बिकॉज ओनली फ्यू मोर क्वेश्चन आर देयर, अराउंड 17 मोर क्वेश्चन फॉर टुमारो।